ये ही है। टिश्यू पेपर लाओ जरा। फिक्स कर दिया था ना। लाएगा नहीं, लाओ इधर तो। टिश्यू पेपर दो, टिश्यू पेपर। मेकअप दादा। सर आप देखो काम देखो, आप देखो गंगा कर बताओ कैसी लग रही है जी? एक मिनट गा भी लो बिना एकदम नाचोगी? उधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ। प्रॉपर ही है, ऐसी दिख रहे हैं। चिपक गए लाइट के लिए। देखो क्या होता है ये। लाइट लो रोलिंग। सर पे हाथ हिलने पे जा रहा है। अरे 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 अल्लाह के नाम पे बाबा। हाँ करता हूँ।
सबकी बिहार देखा आपने कमेंट बोला बस बेबी बस उधर भी तो लगाओ बस बहुत है ओरिजिनल है तो लगान में आ रहा है तुम्हारे आगे चाहिए होगी ना मैंने बोला था ऐसे टैलेंट को भी देखा है पीछे से पीछे से क्या होता है मैं जी वाली वो देखिए ना पीछे से इसने वही किया हुआ है मेहंदी के सीन के बारे में यही है कि आज मेरी मेहंदी है और थपकी और बिहान ने बहुत सारी कोशिशें की है कि मेरी मेहंदी की रस्म पूरी नहीं हो बट एज सबको पता है कि श्रद्धा के इरादे बहुत ही ज़्यादा नेक होते हैं तो उन नेक इरादों को ध्यान में रखते हुए मेरी ये मेहंदी जो है उसकी रस्म पूरी हो गई है और अब बस शादी करने की देर बाकी है हमने देखा आप यहाँ पे थपकी एंड बिहान जब आ रहे थे आप वहाँ से आए हंसते हुए आपने स्लोली स्लोली कुछ कहा आपका इरादा क्या था आप उनको क्या एक्चुअली क्या है जब से मैं इस घर में आई हूँ थपकी और बिहान को स्पेशली बिहान को मुझसे बहुत प्रॉब्लम है और जिसको मुझसे प्रॉब्लम होती है मुझे उससे डबल प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने मेरी मेहंदी की रस्म ख़राब करने के पूरे इंतज़ाम करके रखे हुए थे अब फाइनली जब मेरी मेहंदी होगी तो मैं उनको एक और वार्निंग दे रही हूँ कि देखो मुझसे पंगे मत लो मैं बहुत ही मैं भी इमरती की तरह सीधी हूँ तो तुम अगर टेढ़े हो तो मैं भी इमरती की तरह सीधी हूँ तो इसलिए मुझसे पंगे मत लो मैं तुम्हें भी वार्न करने आई हूँ बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम बिकॉज ये शादी तो होकर रही है अपने दर्शकों से क्या कहना चाहूँगी मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगी थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग मी फॉर लविंग दिस कैरेक्टर एंड कीप लविंग मी थ्रू वेरियस सोशल साइट्स कीप सेंड मी योर मैसेजेस एंड ऑल बिकॉज हम लोग एंटरटेनमेंट आपको एंटरटेन करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आई एम श्योर ये मेहनत रंग लाएगी और ये मेहनत रंग लाएगी और आप प्लीज़ हमें इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए देखते रहिए थपकी प्यार की ऑन कलर्स एट 7 थैंक यू सो मच ध्रुव की मेहंदी हो रही है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ध्रुव तो सिर्फ एक ही लड़की है जिसका इंतज़ार कर रहा है वो है थपकी तो अब उसके हाथ में भी मेहंदी लग गई है और श्रद्धा के हाथ में मेहंदी लग गई है लेकिन बिहान और थपकी जो हैं वो मिसिंग है तो बस यही इंतज़ार हो रहा है कि कब बिहान और थपकी आएँ और पता चले कि थपकी थी कहाँ बिकॉज ही इज़ वेरी वरिड कि थपकी कहाँ पर है और वो चाहता है कि वो शादी रोक दे अब देखना यह है कि वो शादी रोक पाती है या नहीं तो अब ये शादी करी क्यों रहे शादी इसलिए के लिए हाँ किया है क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है उसने ना देखा था कि लड़की कौन है कैसी है उसने सीधा हाँ कर दी थी क्योंकि वो चाहता है कि थपकी जेलस होके उसे रियलाइज़ हो जाए कि वो ध्रुव से अभी भी प्यार करती है और आके शादी रोक दे और ध्रुव को आके आई लव यू बोल दे और इस ध्रुव शादी रोक पाए अगर इस शो में आपकी श्रद्धा के साथ शादी हो गई तो फिर आगे क्या होगा आगे क्या होगा तो हमारे राइटर्स को पता है लेकिन एक चीज़ जो कि नहीं बदलेगी वह ध्रुव का प्यार ध्रुव थपकी को प्यार करता था करता है और करता रहेगा तो आप
अपने दर्शकों को थोड़ी अपनी मेहंदी दिखा दीजिए जी. इट्स इट्स प्रीटी इट्स प्रीटी फनी कि मैंने मेहंदी लगाई है, बट या जबरदस्ती मुझे मेहंदी लगवा दी गई है. सो दिस इज व्हाट माय भाभीज हैव मेड. मेरी छोटी भाभी और बड़ी भाभी ने मिलके ये मेहंदी लगाई है. दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा, आप सबने हमें बहुत प्यार दिया है, हमें अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. सो प्लीज़ कीप लविंग अस, हमें प्यार की थपकी देते रहें, ध्रुव को प्यार करते रहें. इनफैक्ट हमारे पूरे शो को हमेशा देखें कलर्स पे 7 बजे मंडे टू सैटरडे. थैंक यू. आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है, तो अपने फैंस को क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने फैंस को यही कहूँगा कि आपने मुझे ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक, एवरीबडी इज़ फॉलोइंग अस एंड लविंग अस, सेंडिंग अस मैसेजेस. थैंक यू सो वेरी मच फॉर इट. आप ही की वजह से हम लोग यहाँ हैं. हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे, लेकिन आप हमें प्यार करते रहिए. थैंक यू. थैंक यू. देखो मेरी मेहंदी की रस्म तो पूरी भी हो गई. अच्छी लग रही है ना मेहंदी? हाँ मैं दिखा के आती हूँ. अरे बिहान जी, आप कहाँ जा रहे हैं? ऋतिक को फोन करिए. मेरी मेहंदी देखो, ध्रुव का नाम मेरे हाथों पे कितना अच्छा लग रहा है ना? अब दोनों, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे. टेल यू, है ना आंटी? आ जाओ वापस. पलविंदर जी ने बोला बिहान तक की तुम बहुत ज्यादा भीग गए हो, जाओ कपड़े बदल लो वरना ठंड लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी. गए बोलो. Perfect. Close.